रेजर पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में शुक्रवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जनपद के सभी थानों के पैरोकारों के साथ बैठक की गई। इस संबंध में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि सभी थानों में जो भी चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लंबित पड़ी हुई है उन्हें गति प्रदान करने के लिए और उन्हें कोर्ट में दाखिल कराने के लिए आज बैठक को विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि थानों पर जो भी चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लंबित पड़ी है उनकी समीक्षा भी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, इसमें दबाव नहीं लगेगा, ये लगेगा कि हाँ इसमें क्या होता है, ये बहुत आवश्यक है, इसके लिए सभी लोग सार्थक पहली माए हैं और ये समय से ही काम हो जाएगा। जब बराबर आप उसको सही मन से प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर होगा, समय से हो जाएगा। तो कुछ स्थानों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन टारगेट पाने वाले सिर्फ अभी तक जो एक मिनिमम टारगेट चले हैं सिर्फ गोरखनाथ थाने से ये हासिल हुआ है। बाकी दो नज़दीकी थाने हैं, एक साधुपुर है और एक रामगढ़ है। इसमें समस्या आ रही है और ये मॉर्निंग सेल का विषय प्रतीत हो रहा है, कृपया इस संबंध में मॉर्निंग सेल में इस उठा करके आपने किसने क्या कार्रवाई किया, क्या प्रयास किया। अगर आप डेट टाइम सब नोट करेंगे ना तो लगेगा कि भाई आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप लगे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपका काम चलता है। जो सही बात नहीं, आराम से कोई बात नहीं, महोदय ठीक है, हमें निकाल देते हैं, उससे परेशान होने जरूरत नहीं भाई। अगर हम अपना काम सही तरीके से करेंगे बस, हम क्यों बचते हैं। वो तो क्या होता है, कभी कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा आपको बता सकते हैं, फला तारीख में गया था, आप गलत कुछ कह रहे हैं। चलिए भाई सुनिए, अगली बार सबको बुलाइए और एक एक गेट पर बना नहीं, चलिए हम लोग भी चलते हैं। ये जनपद में के समस्त थानों के जो पैरोकार हैं, पैरोकारों की एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। आरोप पत्र और चार्जशीट और ये फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के संबंध में तो कुछ दिक्कत परेशानियां थी, मॉनिटरिंग सेल में ये सब बातें उठाई गई थी एसएसपी महोदय द्वारा, तो थोड़ा गति प्रदान करने के लिए कि जो भी चार्जशीट और ये और फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने के लिए शेष हैं, लंबित हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में गोष्ठी थी कि अभी कितना शेष है, अभी एक सप्ताह में कितना दाखिल हुआ है। नहीं नहीं, काफ़ी संख्या में ये चार्जशीट और ये फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के उद्देश्य हैं, तो काफ़ी कुछ संख्या में दाखिल हुआ भी है लेकिन अभी संतोषजनक दाखिला नहीं हो सका है, तो उसी के संबंध में था कि किस थाने में थाने वाले प्रगति क्या है, उनको बताया गया, उनसे प्रगति ली गई, कितने आरोप पत्र दाखिल हुए, कितने फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुए, कितने शेष हैं, इन सबके समीक्षा गोष्ठी थी।